गया था, पूरा इलेक्शन प्रोसेस को रिगिंग करने का प्रयास किया कर रहा थे। तो यहाँ पे जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज कार्यकर्ता स्टूडेंट जो है उनको ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि ये जो फेयर प्रोसेस पे नहीं फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे NSUI और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन भी वो दैनिश और ऐशी घोष को बोल के कि ये अनफेयर, आपको लिस्ट के बाहर से दूसरा लिस्ट से नाम पड़ रहे बोल के पकड़ा गए थे। तो वो जो पूरा प्रोसेस को रोका गया था 2-3-4 घंटे से ऊपर। हाँ, तो वहाँ पे दैनिश अपोलोज करता है, बोलता है कि हमारे से गलती हो गई, हम माफी मांगने के लिए रेडी है। लेकिन आधा घंटे के बाद जब DGBM रिकन्विन किया जाता है, वहाँ पे माफी मांगना छोड़ देता है और ऊपर से ऐशी घोष चार नाम, हाँ खुद चार कम्युनिस्ट नाम का अनाउंस करके ये सिलेक्ट हो गया बोल के वहाँ के अनाउंस करके भाग जाती है। तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो ये पूछ रहे थे सिर्फ कि दैनिश था वहाँ पे, तो ये जो चार नाम है, हाँ छह पूरा चूज करना था, 2/3 मेजोरिटी चूज ऑलरेडी पहले चूज किया गया था, जो बाकी चार नाम अनाउंस करके भाग गए थे, वो चार नाम कौन है डिस्क्लोज कीजिए और दूसरा किस प्रोसेस से आप उनको सिलेक्शन किए बताइए। तो दैनिश बोलता चार नहीं, हम दो ही पुराना ईसी का मेंबर्स को चूज किया गया, लेकिन ऐशी घोष चार नाम बोलती है और ये दैनिश दो नाम बोलते हैं। तो ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, ऊपर से वो कौन है किस प्रोसेस सिलेक्शन किया गया बता नहीं रहे थे। तो वहाँ पे ABP कार्यकर्ता जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज वाले और कॉमन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, लेकिन वो ना ICGOS को बुलाने के लिए जब मांग रहे थे तो ICGOS को ना ICGOS आती है ना ये बुलाते हैं। तो ये पूरा साठगांठ मिल के कर ये सोचते हैं कि ये सब हल्ला करके निकल जाते हैं। जब ये मांग स्टडीली मांग रहे हैं कि हमको उनका नाम डिस्क्लोज करना चाहिए और इनका नाम वापस करके जो फ्री एंड फेयर प्रोसेस है आपको उनको सिलेक्शन करना चाहिए बोल के मांग डिमांड कर रहे थे। तो पीछे से जो कम्युनिस्ट है, हाँ अपना ढपली यूज करके और हैकलिंग करते हुए छात्रा को, हाँ उन्नति छात्रा है प्रधान जो दिव्यांग स्टूडेंट से, हाँ इन सब पे हमला करते हैं और जो ढपली को वेपन जैसे यूज करके अटैक करते हैं पीछे से। तो GBM होता है तो एक सैंक्टिटी के हिसाब से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। वो मूवमेंट देख के 200 से ऊपर कम्युनिस्ट ने 4-5 लोग वहाँ पे कार्यकर्ता उन पे जानबूझ के हमला करता है। ये पहली बार नहीं है, JNU बार बार जहाँ जहाँ इनका जो लीड नहीं होता है, जब जहाँ जहाँ इनका जो रिगिंग प्रोसेस बाहर करते हैं, हाँ पता चलता है वहाँ वहाँ ये वायलेंस करते हैं और वहाँ से वायलेंस करके ये प्रचारित करते हैं, स्टूडेंट्स को हमला करके पूरा रिगिंग प्रोसेस करना प्रयास करते हैं। ये बताइए कि कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें एक छात्र जो है वो साइकिल से हमला कर रहा है, एक छात्र डंडा से पीट रहा है, तो वो कौन है छात्र? जी देखिए, यहाँ पूरा आपको बता रहे हैं 200 से ऊपर कम्युनिस्ट से और 4-5 स्टूडेंट अपना कॉमन स्टूडेंट्स और ABP कार्यकर्ता से। तो इन पे 200-100 से ऊपर हाँ स्टूडेंट हमला करते हैं, हाँ और बोलते ये जो अपना जिस हमला हो रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, हमको बचाइए। तो दैनिश और जो ऐशी घोष वो लोग हैं वो प्रेसिडेंट और वो ऐसे नाम पे बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे वही सिक्योरिटी गार्ड मानेंगे बोल के उनको धमकी देके सिक्योरिटी को बचाने के लिए नहीं आने देते। वहाँ पे जब दिव्यांग छात्रा पे हाँ दिव्यांग स्टूडेंट्स पे हमला होता है तो उनको डिफेंस में जो लाठी के जो दिख रहे हैं ना वो उनको बचाने का सेल्फ डिफेंस में प्रक्रिया किया जाता है, नहीं तो वहाँ पे छात्रा को लिटरली उनका जी लाइफ एंड डेथ का वहाँ पे सिचुएशन था। अच्छा, कितने जो कार्यकर्ता हैं स्टूडेंट हैं आपके जो हैं घायल हुए हैं? लगभग 6 से ऊपर कॉमन स्टूडेंट्स और कार्यकर्ता घायल हुए हैं और रात में पुलिस कंप्लेंट भी किया गया है और अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है उनका। अच्छा जी, पुलिस कंप्लेंट कर दिया है? पुलिस कंप्लेंट कर दिए, अभी FIR में दर्ज हुआ है, FIR में कन्वर्ट हुआ है, नहीं मुझे अपडेट नहीं है, मैं भी अभी 2-3 घंटा ही सो पाया हूँ तो अभी उसी के लेके आपको अपडेट दे रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।